आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। हरदोई आज सोमवार 20 नवंबर को राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में दोपहर के 12 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए, जिनका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुष्प गदा देके सम्मानित किया। सभी प्रत्याशियों की तरफ से पारुल दीक्षित ने जिले की खराब सड़कों, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का जिक्र किया और इसे बेहतर करने की मांग की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम जनमानस को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारें सपा बसपा से नरकीय जीवन बना दिया था। लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए महरूम थे, विकास कार्यों में राजनीतिक ठेकेदारों का ही कब्जा था। 12 वर्षों से प्रदेश और जिले को विकास से वंचित रखा गया। बिजली देने में पूर्ववर्ती सरकारें भेदभाव करती थीं। विद्युत आपूर्ति इटावा व सैफई तक ही सीमित थी। लोकतंत्र में कुछ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमारी पार्टी ने समान रूप से जिला, तहसील व ग्रामीण क्षेत्रों में रोस्टर के हिसाब से लाइट देने का कार्य किया, जिसका उदाहरण अयोध्या में दिवाली मनाकर किया। आगामी योजना के अंतर्गत नगर निकायों में LED स्ट्रीट लाइट द्वारा रोशनी देने का कार्य होगा, जिसे शहर रोशनी से जगमगाएंगे। पटरी व ठेलिया गुमटी दुकानदारों को चिन्हित करके फेरी नीति लागू होगी और उनका पुनर्वास किया जाएगा। प्रत्येक गरीब व्यक्ति को अपनी छत होगी, आवास योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। विद्युत संकट की पूर्ववर्ती सरकारों में हरदोई से शुरुआत हुई थी। बातों ही बातों में हरदोई के एक बड़े नेता पर कटाक्ष करते हुए कहा गया कि कुछ भी कार्य अवैध नहीं होगा, उसे व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा। प्रदेश में कानून का राज होगा, अपराधी प्रदेश छोड़ रहे हैं, दंगे नहीं हो सकते। दंगाइयों को मालूम है कि उन्हें घर में ही घुस कर मारा जाएगा। बातों के साथ उसी भाषा में समझाना मुझे आता है। अच्छी कानून व्यवस्था के कारण ही बिल गेट्स जैसी हस्तियां प्रदेश में निवेश करने आ रही हैं। निवेश के कारण युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया होंगे, जिससे युवाओं का पलायन रुकेगा। जब स्वच्छता की बात हो तो हमारा नगर रेटिंग में नंबर 1 होना चाहिए। नगर निकाय चुनाव आप सबके विश्वास का प्रतीक है, जिससे नगर इकाई मजबूत होगी और स्वतंत्र रूप से बेहतर विकास कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नगर इकाई के बोर्ड गठन से स्मार्ट सिटी व आदर्श नगर पंचायत व नगर पालिका का विकास होगा, बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी। आप सभी लोगों से अपील है कि अपनी पार्टी के लोगों को जिताएं। इस जनसभा में सांसद अंशुल वर्मा, विधायक गण रामपाल वर्मा, राजकुमार अग्रवाल, आशीष कुमार सिंह आंशु, मनवेंद्र सिंह रानू, प्रताप श्याम प्रकाश, रजनी तिवारी, जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण शास्त्री व वरिष्ठ पदाधिकारी गण एवं समस्त नगर निकाय के प्रत्याशी गण व हजारों की जनसंख्या में जनसैलाब मौजूद रहा। मुक्त भी हो उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई फेरी नीति हम लोगों ने तैयार की है। हर नगर निकाय से हम लोग रजिस्टर कर चुके हैं, कितने पटरी व्यवसायी है और उसके लोग हम उसका विकास करना चाहते हैं। फेरी नीति तभी लागू हो पाएगी जब अच्छा बोर्ड बनेगा। ये सड़कें कभी चौड़ी हो पाएंगी जब अच्छा बोर्ड बनेगा। ये व्यवस्थाएं तभी लागू हो पाएंगी जब अच्छे लोग चुन करके जाएंगे और जिनमें फैसला लेने का जज्बा भी हो और सरकार के साथ तालमेल बिठा करके जिनसे भी पैसा लाने का एक हिम्मत भी हो, इतना साहस भी हो। जिन लोगों ने लूट खसोट किया उनके अंदर साहस नहीं हो सकता, सांस नहीं दिखा सकते। सांस वही दिखाएगा जिसने भाजपा की सरकार बनाने में अपना खून और पसीना बहाया होगा, वही आएगा लखनऊ। प्रदेश का मंत्री या प्रदेश के अधिकारी जब आए आपके यहाँ, आप अपना प्रस्ताव उनके सामने रख सकते हैं और जिससे हम लोग चाहते हैं कि नगरीय क्षेत्रों में अच्छे लोग चुनकर के आए, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के पैसे का उपयोग हो। समाजवादी पार्टी विकास की बात कर रही है, कौन सा विकास उन्होंने कराया? 5 साल में 29,000 आवास बनाए, हम लोगों ने मात्र 8 महीने में 11 लाख आवास प्रदेश की जनता को उपलब्ध करवाए हैं। और अभी हम लोगों ने तय किया कि अपने नगर निकाय क्षेत्रों में हम प्रदेश के अंदर 5,60,000 आवास देंगे। 2022 तक ऐसी स्थिति प्रदेश के अंदर पैदा करेंगे कि प्रदेश के अंदर एक भी गरीब नहीं होगा जिसके सिर को ढकने के लिए हम छत उपलब्ध करवा दें। पहले बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता था, बिजली का कनेक्शन कितना दुरूह हो गया था ये तो हर व्यक्ति जानता है कि प्रदेश में बिजली का संकट, वायु में
बहनों आप नाराज मत होना, प्रदेश में विद्युत का संकट आपने हरदोई नहीं प्रारंभ किया था, लेकिन हम लोग उभारने के लिए आए हैं। ये बिजली का जो संकट प्रदेश के अंदर पैदा हुआ था, आज उसे उभारने के लिए आए हैं। नगरों में लोग आते हैं, गांव से आते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। हरदोई से क्राइम इंडिया न्यूज के लिए राहुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।